वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से गांव में, जो कि है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत ही प्यारा गांव है। wow. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा सा गांव। गांव का बात ही कुछ अलग होता है, तो चलिए दिखाती हूँ। ये है मेरे गांव के रास्ते जो मेरे घर तक गए हैं। मैं अभी सुबह सुबह ब्रश कर रही हूँ, वो भी नेचुरल गाँव के ब्रश से। अक्सर गाँव में इसी तरह ब्रश करते हैं, तो आज मैं भी कर रही हूँ। कहते हैं इससे दांत मजबूत रहता है। फिर मेरी नज़र जाके पड़ती है इस पेड़ के इस फल पे, जो कि मुझे कुछ बेल जैसा लगता है, पर वो होता कुछ और ही है। मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे फिर पता चला कि इसे कांधिया बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, जो कि कुछ ऑरेंज जैसा होता है, संतरा जैसा। तो ये मैं बोलती थी बड़ा वाला संतरा, जब पता चला तो घर में बोले इसको कांदिया बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में अगर आपको पता है आप इसको क्या बोलते हो, ज़रूर बताना। क्या आप ये फल खाए हो, या अगर आपको खाने का मौका मिलेगा क्या आप खाना चाहोगे? आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलने वाले है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना और ज़रूर देखना। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखिए टेस्ट कैसा है। खट्टा और पित्ता, मीठा छ ना रहा, खट्टा और पित्ता मिक्स। अब बताओ ये क्या चीज है? अरे की मजा। जो जो शायद गांव से है या फिर देखे होंगे, वो शायद जानते ही होंगे कि ये क्या है, पर मैंने पहले बार देखा, पहले बार मैं खाई, तो मुझे सब नहीं मालूम था क्या है। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया गांव की ये चीज़, तो टेस्ट इसका तो बहुत ही अच्छा था। तो बताइए आप कि ये क्या चीज़ है। इसको देख के लगता है जैसे गांव की पूरा खूबसूरती झलक रही है, पूरे दिल को छू जाता है। वाओ, देखने में क्या व्यू रहता है, क्या ही बताऊँ अपने गांव के बारे में। चलो आगे देखते हैं। गांव में इस तरह के भी घर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे झोपड़ी घर मिले, इस तरह का भी घर होता है। ये वाला सीन देख के तो मुझे पूरा केरल का सीन जो व्यू होता है वो लग रहा था, एकदम मूवी में जो दिखाता है, बहुत ही प्यारा था। और देखो गांव में इस तरह का घर भी बहुत दिखा रही हूँ, क्योंकि इस तरह का भी घर होते हैं हमारे, तो और भी अलग टाइप के जो गांव में होते, पर गांव में भी आजकल ऐसे घर देखने को मिलते हैं। हम अभी मछलियों को, छोटे छोटे भाई और हम मिलके दाना दे रहे हैं, मछलियों को खाना खिला रहे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मछलियाँ। फिर मेरी नज़र पड़ी इस चीज़ पे। अब बताओ ये क्या चीज़ है? मैंने तो नहीं पहचाना था, पर जब मेरे हाथों में निकाल के दिया गया, ऐसे मैंने देखा, तब जाके मेरे को पता चला कि ये बीरी है। अभी अलग अलग लैंग्वेज में तो अलग अलग चीज़ बोला जाता है, तो ये तो बोल नहीं सकती इसको आप लोग क्या बोलते होंगे, आप लोग के एरिया में किस नाम से जानते होंगे, पर हमारे यहाँ तो बीरी बोलते हैं। ये देखो दाने छोटे छोटे, तो मेरे को नहीं मालूम था कि इस तरह निकलता है, तो ये भी मैंने पहली बार देखा। तो आपको बताओ क्या आपको मालूम था? इसमें कांदूल डाल होता है, जो कि मुझे ये भी नहीं मालूम था। वाह रूपा शाबाश, तुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तो मेरे को जब पता चला तो मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है, क्या आपको मालूम था? अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? इसको मैंने पहले भी देखा है, खाया है, पर पेड़ में उगता हुआ नहीं देखी थी, बस ऐसे मुझे कोई ला के दिए थे तो मैं खाई थी।
तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसको बोलती थी ग्रीन ऑरेंज या फिर कच्चा संतरा, क्योंकि संतरा का छोटा भाई लगता है मेरे को। तो ये बताओ आपके तरफ इसको क्या बोलते हो? अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दोस्तों से पूछी तो उन्होंने बोला कि इसको बोलते करोना, करोना कोरोना। हम जब अपने गांव में पूरे घर वाले सब मिल के खाना खाते हैं, कुछ इस तरह खाते सब बैठ के, तो अलग अलग डिशेस बने होते हैं और हम सब मिल के खाते हैं। ये एक आंटी ने या फिर मासी ने मतलब बताया कि ये रियल वाले शहद है जो महू, तो हम सोचे नहीं ये डुप्लीकेट होगा क्योंकि इतना गाढ़ा कैसे है, पर उन्होंने बोला नहीं ये रियल है, पेड़ से ही तोड़ के लाया गया है। आप बताओ आपको क्या लगता है, ये असली है या डुप्लीकेट? अभी चल रहा है ये हमारे बच्चों पार्टी का डांस। ये हमारी एक और मौसी यानी बिल्ली मौसी, तो ये हमारे घर की इकलौती बिल्ली है। आपको बिल्ली पसंद है या कुत्ता? हमारे कुत्ता भी पालते हैं, मेरे मामी जी बनाए थे स्पेशली मेरे लिए ये सब खाने के लिए, तो ये सब चूल्हे में बनाए तो बहुत ही टेस्टी रहता है। चूल्हे का खाना का मज़ा ही कुछ और होता है, चूल्हे वाले खाने जो खाते हैं उन्हीं को पता होगा कि टेस्ट क्या अलग होता है। तो बढ़िया टेस्टी टेस्टी बनाए थे। तो फिर अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा होम टूर यानी मेरा गांव का जो घर है। आजकल ऐसे मिट्टी के घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा ये दिखाना बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो मैंने बनाया वीडियो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट करो, आगे और भी अच्छे वीडियो आएंगे। ये वाला स्पेशल मैं बोलूँगी मेरे गाँव का जो लग्जरियस रूम है, क्योंकि मुझे ये रूम बहुत पसंद है। ये रूम का जो लग्जरियस रूम है ये मुझे ऐसा लगता है, इतना प्यारा लगता है ये रूम मेरे को, मेरा फेवरेट बेड मतलब फेवरेट प्लेस है वो बैठने का। और ये हमारा पेड़ जो अपने गार्डन का ही है ये, तो ये सब भी हमें गार्डन से ऐसे निकाले हैं। तो बताओ ये क्या चीज़ है, किसको मालूम है कि ये क्या चीज़ है? क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मेरे को लगा कि होगा कुछ सब निकाल रहे थे। ये देख के सबको लगता होगा कि ये मूली है, पर ये मूली नहीं है, ये मेरा नटघट सा प्यारा सा भाई है। हाय अंशु।